सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का हमें मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डिराइव करना है। उस फॉर्मूले को डिराइव करने के पहले या सिंपल माइक्रोस्कोप को समझने के पहले हम डिफाइन करेंगे विजुअल एंगल। विजुअल एंगल मतलब क्या होता है? तो विजुअल एंगल यानि किसी ऑब्जेक्ट ने आंख पर बनाया हुआ एंगल, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल यानी एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द आई। मान लो ये ह्यूमन आई, ये उसका लेंस, ये उसका रेटिना, और इसके सामने ये कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो ऑब्जेक्ट आंख के ऊपर या आंख के लेंस पर जितना कुछ एंगल फॉर्म करती है उस एंगल को हम कहते हैं विजुअल एंगल। इस फिगर में ये अल्फा जो है वो विजुअल एंगल है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है विजुअल एंगल का? तो विजुअल एंगल से ही हमें किसी ऑब्जेक्ट के साइज का परसेप्शन होता है। विजुअल एंगल जितना ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी दिखाई देगी। जैसे इस ऑब्जेक्ट को यदि मैं दूर ले जाता हूं, थोड़ा और दूर कर देता हूं, तो विजुअल एंगल कम हो जाएगा। जो पहले ये एंगल फॉर्म हो रहा था अब वो ये एंगल फॉर्म हो जाएगा, तो हमको ऑब्जेक्ट रिलेटिवली स्मॉलर दिखाई देने लगेगी। यानी विजुअल एंगल जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी महसूस होती है। ये इंपॉर्टेंस है। अब ये विजुअल एंगल सबसे ज्यादा कब होता है? तो सबसे ज्यादा तब होगा जब ऑब्जेक्ट होगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, यानी 25 सेंटीमीटर पर यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये विजुअल एंगल सबसे ज्यादा होता है। ऑब्जेक्ट सबसे बड़ी और सबसे डिस्टिंक्ट होती है, सबसे साफ होती है जब वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखी हुई होती है। और ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम दूर ले जाते जाएंगे ये विजुअल एंगल कम 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 होता चला जाएगा और इन्फिनिटी पर ये मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो रेंज ऑफ विजन है वो 25 से इन्फिनिटी हम मानकर काम करते हैं। तो 25 पर रखी हुई ऑब्जेक्ट सबसे बड़ी और सबसे साफ दिखाई देती है। कारण क्या है? कि विजुअल एंगल सबसे ज्यादा होता है। तो ये विजुअल एंगल हुआ। अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, माइक्रोस्कोप, माइक्रो मतलब टाइनी ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, और स्कोप मतलब देखना। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए ये काम में लाते हैं हम। और सिंपल का मतलब क्या है? सिंपल यानी सिंगल कॉन्वेक्स लेंस इसमें यूज होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, is an optical instrument used to increase visual angle formed by the near objects, पास में रखी हुई objects के visual angle को बढ़ाने के ये काम में आता है। optical instrument used to increase विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द नियर ऑब्जेक्ट्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय अ नेकेड आय, अनएडेड आय से जो नहीं दिख पाती हैं। ऐसी पास रखी हुई टाइनी ऑब्जेक्ट्स के विजुअल एंगल को बढ़ाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में आता है उसे हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द नियर ऑब्जेक्ट्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय अ नेकेड आई। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैकेनिकल वॉचेस होती हैं, मैकेनिकल वॉच यानी एक मशीन, और उस मशीन के कई सारे टाइनी पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट इतने छोटे होते हैं कि वो हमको नेकेड आई से नहीं दिख सकते। क्यों? क्योंकि विजुअल एंगल बहुत छोटा फॉर्म करते हैं वो आंख के ऊपर। तो वो विजुअल एंगल को बढ़ाकर हम उनको डिस्टिंक्ट बनाते हैं, विजिबल बनाते हैं। ये काम करता है सिंपल माइक्रोस्कोप। या दूसरा एग्जांपल पामिस्ट्री। पामिस्ट्री में हाथ की जो लाइंस होती हैं वो इतनी छोटी होती हैं कि बहुत छोटा विजुअल एंगल हमारी आंख पर फॉर्म होता है, वो हमको नेकेड आई से नहीं दिख पाती हैं, तब फिर हम सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमें करना क्या है? विजुअल एंगल को बढ़ाना है। और इसको सिंपल माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, सिंगल कॉन्वर्जेंट लेंस या सिंगल कॉन्वेक्स लेंस।
जिसकी फोकल लेंथ कम होती है और पार ज्यादा होती है, ऐसा एक अकेला कॉन्वेक्स लेंस इसमें यूज होता है, इसलिए इसको सिंपल कहते हैं। तो अब ये समझ में आया होगा कि वाई वी कॉल इट सिंपल माइक्रोस्कोप, बिकॉज सिंगल कॉन्वेक्स लेंस इज यूज। माइक्रोस्कोप मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट वी इंक्रीज विजुअल एंगल ऑफ या फॉर्म्ड बाय द नियर ऑब्जेक्ट्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय अ नेकेड आई। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन हुई। अब स्कीम क्या होती है, किस तरह ये सिंपल माइक्रोस्कोप बनाते हैं हम, तो हमको लेना पड़ेगा एक कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस लेकर और ऑब्जेक्ट को उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख देना है। मैं उसका रे डायग्राम बना रहा हूं, ये वो कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये फोकस, और हमें फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में उस ऑब्जेक्ट को रख देना है, वो छोटी ऑब्जेक्ट जो नेकेड आई से नहीं दिख पा रही है, उसे हमने रख दिया ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। अब रे डायग्राम के लिए क्या करेंगे, द रे विच गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, ये पहली रे हो गई, एंड द रे विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिविएटेड। ये दोनों इंसिडेंट रेज हुई, इधर कहीं ये मीट होंगी नहीं, इनके बीच की सेपरेशन बढ़ती चली जाएगी, पर आंख को यदि इधर रखेंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे ये रेज यहां पीछे से कहीं से चली आ रही है, व्हेन बैकवर्ड एक्सटेंडेड यहां कहीं जाकर इसका इमेज फॉर्म होगा, ये हो गया इमेज, और मैंने ये मान लिया है कि ये इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है, ये फॉर्म हो रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, यानी इस डिस्टेंस को मैंने डी रख दिया इसका नाम, ये हो गई ऑब्जेक्ट ए बी और ये उसकी इमेज ए डैश बी डैश। तो ये उसका रे डायग्राम हो गया, ये लेंस वो कॉन्वेक्स लेंस, और आंख जो है ये हम सपोज कर रहे हैं कि वो लेंस के बहुत पास है, जो एक्सपेरिमेंटर है उसकी आंख इसके बहुत पास में है, ये हम सपोजिशन है हमारा ये, क्योंकि इनके बीच की यदि सेपरेशन बढ़ जाएगी तो उससे मैग्नीफाइंग पावर जिसकी बात अभी हम आगे करेंगे वो एडवर्सली अफेक्टेड होती है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आंख बहुत पास है, ये ऑब्जेक्ट ये उसकी इमेज। अब हमको एग्जाम में पूछते क्या है, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर हमको पूछी जाती है, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर को ही कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर कहें या एंगुलर मैग्निफिकेशन एक ही बात है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसे, और ये क्वांटिटी अलग है स्मॉल एम से, जो हमने लेंसेस में पढ़ा हुआ था मैग्निफिकेशन स्मॉल एम वो अलग बात है, वो होता था साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्नीफाइंग पावर है, इसको कैपिटल एम से हम डिनोट करेंगे, और इसकी डेफिनेशन हर इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग होगी। तो फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप कैपिटल एम इज डिफाइंड एज विजुअल एंगल, न्यूमरेटर में विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज, बाय द इमेज मतलब एडेड आई से लेंस लगाकर जो इमेज फॉर्म हुआ है उस इमेज ने आंख के ऊपर कितना एंगल बनाया, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन सपोज्ड टू बी प्लेस्ड, व्हेन सपोज्ड टू बी प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। In other words, image मतलब added eye से कितना visual angle form हो रहा है upon unadded eye से कितना हुआ, मतलब यदि object को सीधे 25 सेंटीमीटर पर रखकर देखा होता तो कितना visual angle बनता, ये नीचे लिखा हुआ है, visual angle formed by the object when supposed to be placed at LDDV, मतलब unadded eye का maximum visual angle, इसको ऐसा भी कह सकते हैं maximum visual angle by unadded eye, by unadded eye,
मतलब आंख के साथ में लेंस लगा हुआ नहीं है, तब मैक्सिमम विजुअल एंगल कितना फॉर्म हो रहा है वो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आया हुआ है. न्यूमरेटर में आएगा विजुअल एंगल बाय एडेड आय, एक ही बात है. ऐसा भी अपन सोच सकते हैं. तो ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है. और मैग्नीफाइंग पावर में एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, तो हम एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं. ऊपर आ रहा है विजुअल एंगल फॉर्म बाय द इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट एट LDDV, यानी एंगल्स का कंपैरिजन है. जबकि वहां स्मॉल m में हम साइजेस को कंपेयर करते थे, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. यहां हम एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं. तो विजुअल एंगल क्योंकि इसमें बढ़ जाता है, मालूम है हमने अभी कहा था आपको, विजुअल एंगल हम बढ़ाएंगे, यानी न्यूमरेटर जो है वो लार्जर होगा और ये स्मॉलर होगा. तो इसकी जो यूनिट हमने फिक्स करी है वो इस तरह की है, ये टाइम्स का निशान है. टाइम्स, जैसे मैं बोलता हूँ किसी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर 10x है, ये 10x नहीं है, वो टाइम्स है. 10 times मतलब विजुअल एंगल 10 times हो गया. अनएडेड आई से देखते तो जितना कुछ विजुअल एंगल फॉर्म कर रहे थे या बन रहा था उसका 10 गुना ज्यादा बड़ा विजुअल एंगल हो गया. तो इस तरह का इसका सिंबल होता है मैग्नीफाइंग पावर का. अब हम इसको करेंगे डिराइव. अब फिगर से हमको दिख रहा है ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज. ऊपर हमें क्या चाहिए, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द इमेज. तो इमेज ने आंख के ऊपर ये एंगल फॉर्म किया है, ये इसका नाम मैं रख देता हूं बीटा. ये आएगा ऊपर डिनोमिनेटर में, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन सपोज्ड टू बी प्लेस्ड एट LDDV. मतलब इसको हमें यहां रखकर विचार करना है कि यदि ये ऑब्जेक्ट डी पर रखी होती तो कितना विजुअल एंगल फॉर्म करती. यानी ये एंगल हमको चाहिए, कितना, अल्फा. अब ये एंगल्स बहुत छोटे हैं, वही पैराक्सियल अजम्पशन जो हम रे ऑप्टिक्स में हमेशा अप्लाई करते हैं. रे ऑप्टिक्स तभी वैलिड होती है जब ये रेज बहुत पास में हो. किसके पास में हो, प्रिंसिपल एक्सिस के. इन अदर वर्ड्स ये एंगल्स कैसे हैं, बहुत छोटे हैं. तो इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, ऐसा हम मेंशन कर देंगे, आर वेरी स्मॉल. और यदि ये बहुत छोटे एंगल्स हैं तो अल्फा को हम लगभग लिख सकते हैं टैन अल्फा के बराबर, और बीटा को हम लिख सकते हैं लगभग टैन बीटा के बराबर. यानी जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला पहले था m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, उसको हम लिख सकते हैं 10 beta upon 10 alpha. यानी हमारी मैग्नीफाइंग पावर ऐसी दिखने लगेगी. Therefore, m is equals to 10 beta upon 10 alpha. अब इन ट्राइंगल्स में से हमको इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है. 10 बीटा यहां से भी निकल सकता है या इस ट्राइंगल से भी आ सकता है, पर हम रिलाय करेंगे इस छोटे ट्राइंगल के ऊपर. रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये यदि ये ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गई तो ये इमेज इन्फिनिटी पर चला जाएगा, क्योंकि इमेज के बनने की पॉसिबिलिटी कहां से कहां तक है, तो वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से लेके इन्फिनिटी तक हम कहीं भी इमेज को फॉर्म कर सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में. ये जो फिगर मैंने बनाया है ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का है, जब ये विजुअल एंगल ग्रेटेस्ट है, लार्जेस्ट है, तब की बात हो रही है. तो ये ऑब्जेक्ट यदि यहां आ गया फोकस पर तो ये फाइनल इमेज या ये जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा. यानी हमको बीटा की वैल्यू फाइंड करते समय इस ट्रायंगल से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, इस ट्रायंगल से, बाय ट्रायंगल ABO. इससे यदि हम 10 बीटा फाइंड करेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन OB. तो 10 बीटा की वैल्यू आ गई AB अपॉन OB. अभी हम साइन कन्वेंशन नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ वैल्यू लिख रहे हैं AB अपॉन OB. अब चाहिए हमें 10 अल्फा ये है, इसका नाम मैं C रख देता हूं. इस ट्रायंगल से हम फाइंड करेंगे अब 10 अल्फा की वैल्यू, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस CB' upon OB'. और ये डिनोमिनेटर में जब डालेंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो यहां ऐसा दिखने लगेगा OB' upon CB'. और ये CB' और AB तो बराबर है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को यहां सपोज किया हुआ है, यानी ये दोनों क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो जाएंगी. यानी बच गया OB' upon OB. अब OB' क्या है, तो OB' है इमेज,
इमेज डिस्टेंस जो हमने बनाया है कहां, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी के बराबर ओबी डैश को, और ओबी क्या है तो ओबी इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू, और यू नहीं बल्कि माइनस यू क्योंकि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो ओबी डैश की जगह हम डालेंगे माइनस डी और ओबी की जगह आ जाएगा माइनस यू, ये माइनस कंपेंसेट होकर इसकी मैग्नीफाइंग पावर आ गई डी बाई यू, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला आ गया मैग्नीफाइंग पावर का, कितना आ गया एम इक्वल टू डी बाई यू, और इसी फॉर्मूले से हमको वो बात समझ में आ जाती है कौन सी, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ये है क्या, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप सिंगल कॉन्वेक्स लेंस है, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस या सिंगल कॉन्वर्जेंट लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम होती है। ये कैसे, तो यहां से दिख रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिलने के लिए डी पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, यू को हमें कम करना पड़ेगा, और यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम रखने के लिए हम फोकल लेंथ को ही कम कर लेंगे, फोकल लेंथ जितनी कम होगी क्योंकि मजबूरी ये है कि हमको ऑब्जेक्ट को बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस कहीं प्लेस करना है, तो यदि हम फोकल लेंथ ही कम ले लेंगे तो यू अपने आप कम हो जाएगा, और यू के कम होने पर मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा आ जाएगी, यानी ये बात यहां से जस्टिफाई होती है कि वो जो सिंगल कॉन्वेक्स लेंस हम यूज कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ को कम होना चाहिए, इन अदर वर्ड्स पावर को ज्यादा होना चाहिए। अब दो पॉसिबिलिटीज, अब यहां तक तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया है m का, m इज इक्वल टू d बाई यू, अब हम दो पॉसिबिलिटीज पर विचार करेंगे, दो पॉसिबिलिटीज की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये इमेज हम कहां से कहां तक फॉर्म कर सकते हैं, तो अभी जैसा मैंने कहा था ये ऑब्जेक्ट को रखना है ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच, और इमेज को कहां फॉर्म करना है, तो इमेज को हम फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम 25 सेंटीमीटर, फ्रॉम 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू इंफिनिटी, इन दो केसेस में हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, इसकी मैग्नीफाइंग पावर तो बहुत सारी हो सकती है, पूरी एक रेंज है, पर हम सिर्फ बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम की। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए हम ये मानेंगे कि हमने इमेज को कहां पर बनाया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो यहां सिर्फ ये कह देंगे नाउ टू पॉसिबिलिटीज अराइज, पॉसिबिलिटीज अराइज, उसमें से पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि इमेज को हमने कहां बनाया है, इमेज इज फॉर्म्ड, इज फॉर्म्ड एट LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब ये कौन सी सेटिंग है, तो इसको कहते हैं मोस्ट स्ट्रेन्ड आय, मोस्ट स्ट्रेन्ड आय, उस समय जैसा कि फिगर में शो किया हुआ है, इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको इस तरह रखा कि इमेज कैपिटल डी पर फॉर्म हुआ, तो इस कंडीशन में अब हम लगाएंगे, इस केस में हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला, क्या है लेंस फॉर्मूला, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, ये हमारा लेंस फॉर्मूला, और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, इमेज कहां फॉर्म हुआ है, वी इज इमेज डिस्टेंस, इमेज फॉर्म हुई है माइनस डी पर, यानी वी की जगह हमें सेट करना पड़ेगा माइनस डी, और यू की जगह, यू ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। अब इस फॉर्मूले में हमको इसको लाकर सेट करना है, एम इज इक्वल टू डी बाई यू, और उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम करते ये हैं कि डी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां क्या आएगा, डी बाई एफ इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस डी बाई यू, और यही तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर है, तो डी बाई यू कितना आता है, तो डी बाई यू आ गया 1 प्लस डी बाई एफ, ये आ गई इसकी मैग्नीफाइंग पावर, किस केस में, जब एल डी डी वी पर हमने इमेज फॉर्म किया है, तो कितना आ गया ये, एम इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस डी बाई एफ, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, और ये होती है मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, क्योंकि इस समय इमेज आंख के सबसे पास में है, इससे और पास उसको कर नहीं सकते, क्योंकि और पास करेंगे तो विजुअल एंगल बढ़ जाएगा, पर इमेज या ऑब्जेक्ट जो है वो जिसको देखा जाना है वो ब्लर हो जाएगी, यानी ये मैक्सिमम का केस है।
मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस डी बाई एफ, और इस फॉर्मूले से भी देखा जा सकता है कि इसके ज्यादा मिलने के लिए एम के एफ को कम होना चाहिए, एफ कम होगा तो ये क्वांटिटी ज्यादा होगी, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी, यानी एम इक्वल टू डी बाई यू इसका जनरल फॉर्मूला है, और 1 प्लस डी बाई एफ ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है। अब नेक्स्ट केस हमको क्या करना है, तो अब हमको इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म करना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को फोकस पर ले आना पड़ेगा, और यदि फोकस पे यदि इसको रख देंगे तो इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म हो जाएगा, और उस समय मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम मिलेगी। तो अगेन बाय लेंस फॉर्मूला 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, 1 बाय एफ, एफ इज पॉजिटिव क्योंकि कॉन्वेक्स है, इमेज माइनस इन्फिनिटी ऑपोजिट टू इंसिडेंट रेज, और ये प्लस 1, और इसमें डी का मल्टीप्लायर डी बाई एफ इज इक्वल टू डी बाई यू, यानी मैग्नीफाइंग पावर आ गई डी बाई एफ के बराबर। यानी इसके अब हमने तीन फॉर्मूले डिराइव किए हैं, तीन फॉर्मूले कौन कौन से हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, और इसकी मैग्नीफाइंग पावर के तीन फॉर्मूले हमने डिराइव किए। एक है कौन सा, एम इक्वल टू डी बाई यू, ये जनरल फॉर्मूला, उसके बाद हमने डिराइव किया एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, और एम इज इक्वल टू डी बाई एफ ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर हो गई। यानी इसकी मैग्नीफाइंग पावर की एक रेंज होती है, कहां से कहां तक, यहां से 1 प्लस डी बाई एफ से लेकर डी बाई एफ तक कुछ भी मिल सकती है। जब आप उसे एलडीडीवी पे फॉर्म करेंगे इमेज को, तो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होगी और डी बाई एफ पर मिनिमम होगी, इस तरह ये रेंज हो गई पूरी। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम किसी टाइनी ऑब्जेक्ट्स नियर ऑब्जेक्ट के विजुअल एंगल को बढ़ाकर उसको क्लियर और डिस्टिंक्ट बना लेते हैं। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में ऑक्यूलर या आईपीस जो होता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप ही होता है, जैसे टेलीस्कोप का आईपीस मतलब वो सिंपल माइक्रोस्कोप ही होता है, ये उसका एक यूटिलिटी है।